हेलो, आज इनका हैप्पी बर्थडे, तो सब इनको हैप्पी बर्थडे विश करो। और ये रही मिशू, दिन के बज रहे हैं 1 और हम लोग जा रहे कहीं बाहर। कहाँ जा रहे हैं हम, वहाँ जाके ही आपको बताएंगे। मम्मी भी तैयार हो चुकी है, हम सब निकल रहे हैं बस। और ये देखो उसको, मेरा लुक। तो चलिए आपको वहीं जाके बताऊंगी कि आज हम लोग कहाँ जा रहे हैं। वैसे तो मौसम थोड़ा सा ख़राब है, प्लान था नहीं लेकिन अब बन गया। बच्चा बहुत क्यूट लग रहा है, तो चलिए फटाफट निकलते हैं। ये आपको सीधा वहीं जाके मिलते हैं। बाय बाय। बोलो आप क्या बोलो, मजा आ रहा है? बोलो जोर से, बोलो जोर से, मम्मा ये हम सब कर दो। आप कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो? पता भैया, ये कौन सी जगह है? पिटाई लगी, पिटाई। कितनी सुंदर लग रही है ना मिशु। बाय बाय कर दो, लाइक करें। गाइस फाइनली हम लोग पहुंच गए जहां हमें पहुंचना था। मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए सामने। अरे कुछ लेना है विशु के लिए? ये है तो ये रहा इंडिया गेट। तो आज हम लोग आए इंडिया गेट, धूप काफ़ी तेज है। मिशु यहां से चलिए निकलते हैं फटाफट। तो गाइस मम्मी पापा लोग आए थे पहले, बट तब ना बंद था, यहाँ पर काम चल रहा था। तो आज हम लोग आए। स्कूल के कितने बच्चे आए हैं देखो। हेलो मम्मा, पीने खोल दो। मिशु तो मैं हूँ। ये रही मिशु, सूरज, मानसी, मैं और मम्मी पापा। मिशु थक गई है, कैसे पी रही है? रुक के पियो, खड़े होके पियो। नहीं भैया, नहीं नहीं, चाचू को दे दो, चाचू को दे दो, मिशु को दे दो। रख दो बैग पे, रख दो। आओ दादी को दे दो बैग। आप चलो फिर। यहाँ पे ना काफ़ी भीड़ है अभी दिन के टाइम में भी, और स्कूल के बच्चे भी आए हैं आप देख सकते हो। और हम पास पास जाएंगे ना, आपको दिखाते रहेंगे। और ये मिशु देखो, आप चलने के लिए बोल दिए लड़की। चलिए फ़ोटो खींचेंगे आगे से। मिशु ना हाथ नहीं पकड़ रही है देखो, और हमने फ़ोटो शूट कर दिया थोड़ा बहुत। और ये रहा सामने इंडिया गेट, अब यहाँ से निकलेंगे हम लोग। और ये रहे मानसी और सूरज। मम्मी इसको देखते रहे ना। हाँ आओ हाथ पकड़ो, वो देखो सबने हाथ पकड़ा है, देखो वो देखो हाथ पकड़ा है ना मिशु। हाँ चलिए चलिए चलते हैं फटाफट। ये यहाँ का पार्क है, और ये सामने हमारे इंडिया गेट है। और ये ना कहना नहीं मान रहे, धूप बहुत तेज हो गई है। यही तो है ना गाइस, अभी हम लोग जा रहे हैं रोड, मतलब उस पार इंडिया गेट के। और यहाँ पे सारे आप देख सकते हो चार्ट लगे हुए हैं, बहुत सारी चीज़ों के हैं आगे तक आप देख सकते हो। और ये अंडरग्राउंड रास्ता बनाया हुआ है, ये पहले नहीं था, अब बन चुका है। तो चलिए उस पार चलते हैं। हम लोग आ गए इस पार, और मैं आपको दिखा देती हूँ ये रहा सामने इंडिया गेट। और भीड़ काफ़ी ज़्यादा है, और गर्मी भी काफ़ी ज़्यादा है। घर के अंदर तो पता नहीं लग रहा था, सुबह बादल भी लगे हुए थे, हमें लगा भीड़ गर्मी नहीं होगी। और मैंने मिशु के अंदर से स्वेटर डाल दिया, अब इस बेचारी को बहुत गर्मी हो रही है। और ये रहे मम्मी पापा, सामने रहा इंडिया गेट, और मानसी की वहाँ पर फ़ोटो सेशन शुरू हो गया है। और ये लड़की ना मेरे हाथ नहीं पकड़ रही है बिल्कुल भी। गुन्नू करो बिटाई, गुन्नू जूस पी लो। मिशु पी दिया? तो चलिए थोड़ा घूम लेते हैं। और यहाँ पे ना पार्क में थोड़ा अच्छा लग रहा है, तो व्यू देख सकते हो आप, काफी अच्छा है। ये है गाइस इंडिया गेट यहाँ का, सबने देखा ही होगा ज़्यादातर लोगों ने, जिनने नहीं देखा उनके लिए बना दे रही हूँ ये वीडियो। ये मिशु का आप देख सकते हो, किसी की हाथ नहीं आ रही है लड़की। और धूप है काफ़ी तेज, थोड़ी देर में निकल जाएंगे। कितनी बड़ी बिल्डिंग है, मतलब बहुत ही बड़ी। इसमें फूल भी कितने सुंदर लगाए,
देख सकते हो आप सामने रहा वो झरना। और गर्मी ना बहुत ज़्यादा हो गई है, बहुत ही ज़्यादा। मैं एक बार मीशो का अंदर का निकाल देती हूँ, बहुत गर्मी हो रही है हमको, इतना हो रहा है। चलिए एक बार ना इसके अंदर की स्वेटर खोल देती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है। हम लोग ने पहना नहीं, हमको इतनी गर्मी हो रही है, इसको तो हो ही रहा होगा, बच्ची बेचारी बता भी नहीं पा रही है। तो उतार देती हूँ, खाली टी शर्ट डाल देती हूँ। दोस्तों अभी ना हम लोग निकल रहे हैं उस साइड को। फोन आया उनका भैया, तो जिनसे बात हुई उनके सामने सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति है। और हम लोग निकल रहे हैं उस साइड को, उधर सारी अलग अलग चीज़ें हैं, मैं आपको दिखाऊंगी। जितने भी फौजी शहीद हुए थे उनकी ईंटों से वॉल बनी हुई है, और भी कई चीज़ें हैं। और गर्मी बहुत ही ज़्यादा हो रही है, मतलब बर्दाश्त के बाहर है। चलिए चलते हैं। एंट्री कर ली हम लोगों ने नेशनल वॉर मेमोरियल के अंदर, और मम्मी फूल देख रही है, यहाँ के गमले कितने अच्छे लग रहे हैं ना। जैसे हमारे खेतों में वो होता था ना कांटे वाला, इसके आगे पीछे, इसको आगे आगे चलाओ, चलो। और अंदर आप देख सकते हो भीड़, अभी इतनी धूप में भी काफ़ी ज़्यादा भीड़ है। ये कितने प्यारे प्यारे फूल लगाए हैं, ये देखो, ये धनिया जैसा लग रहा है। राष्ट्रीय स्मारक पार्क बोल सकते हो या कुछ भी, नेशनल वॉर मेमोरियल। यहाँ सारे जितने भी जवान हमारे देश के शहीद हुए थे उनकी दीवारों में, मतलब वॉल में ईंटें रख के नाम लिखे गए हैं। और ये देखिए कितने प्यारे प्यारे फूल लगे हैं, मेरे को तो इन फूलों में दिल आ गया। ये देख सकते हो आप दोनों साइड, सामने वो है मेन। तो चलिए चलते हैं फटाफट, ये देख सकते हो। और ये मिशु इतना परेशान कर रही है ना, बिल्कुल हाथ नहीं पकड़ रही, मैं परेशान। पिट्टी होगी पिट्टी, वो देखो देखो देखो, ये जितने जवान शहीद हुए हैं उनके नाम की जोत जलती है, इसके अंदर जाना अलाउ नहीं है। और वो उसकी रखवाली करते हैं, वो पहुँची हैं जो। तो सल्यूट है हमें हमारे देश के जवानों पे। यहाँ का एक सीन दिखा देती हूँ मैं आपको। हाँ हाँ चलो चलो चलो, चलिए गाइस हम आपको अंदर लेके चलते हैं। मिशु पता नहीं किसके साथ जा रही है, वो अपनी परछाई देख के जा रही है। और हम कर रहे हैं इसके अंदर एंट्री। लोंगी वाला की लड़ाई का बारे में लिखा है पूरा इसमें, गंगा सागर की लड़ाई है, तिथवाल, बैटल ऑफ तिथवाल। ठीक है, सेकागंज, सॉरी रेंजा गला, बैटल ऑफ रेंजा गला है, ऑपरेशन मेघदूत। देख सकते हो कितना प्यारा, जिसने भी ये बनाया है कितना प्यारा बनाया है। काम चल रहा है तो उधर जाना है अलाउ नहीं है, तो यहाँ से हम जाएंगे। हम एग्ज़िट, पहली बार जब पिछली बार हम लोग आए थे ना, मम्मी को लेके आई थी मैं, मम्मी पापा को लेके, तब ना रात के टाइम आए थे, तो तब बहुत अच्छा व्यू दिख रहा था क्योंकि पूरी लाइटिंग होती है ना रात को। अभी तो धूप हो रही है तो कुछ पता नहीं लगता, तो इसीलिए। और फिर भी ठीक है, कोई नहीं, मम्मी पापा लोग घूम रहे हैं, घुमा लेते हैं उनको। और यहाँ मतलब फूल वगैरह इतने प्यारे प्यारे लगाए हैं ना, बहुत ही अच्छा लग रहा है। मिशु आओ, चलिए आगे चलते हैं, आगे और दिखाती हूँ मैं आपको और क्या क्या चीज़ें हैं सामने से, और देख सकते हो आप अमर ज्योत। मैं आपको दिखा देती हूँ, ये सारे जवानों के नाम ऐसे करके ना पूरी वॉल पे देख सकते हो आप, सब रेजिमेंट के, ये पंजाब रेजिमेंट के नाम लिखे हुए हैं, ये देख सकते हो आप, यहाँ पे पंजाब लिखा है, कुमाऊँ के अलग आगे होंगे। तो जितने हमारे देश के में शहीद हुए हैं ना उन सब के नाम लिखे हुए हैं, देख सकते हो आप। और ग्रीनरी तो आपको दिख ही रही है, यहाँ साफ़ सफाई होती रहती है। और रात को ना यहाँ का व्यू बहुत सुंदर लगता है, ये देख सकते हो, उस साइड भी पूरी वॉल है, इस साइड भी वॉल है, देख सकते हो। ये पूरे सिख रेजिमेंट के लिखे हुए हैं आप, ये डोगरा आ गए,
ऐसे करते करते मतलब जितने सारे रेजिमेंट है ना, मुझे ज़्यादा नॉलेज तो नहीं है बट वैसे मैं आपको बता दे रही हूँ, जितने हैं ना उन सब के नाम यहाँ पे लिखे हैं, सब के बहुत आगे तक वॉल हैं, आप देख सकते हो, अभी दिखेंगे भी नहीं, पीछे से आ रहे हैं मम्मी पापा सूरज और मिशू। तो चलिए थक भी गए हैं यार काफ़ी चलते चलते, एक तो मिशू ना गोदी बैठ जा रही है बार बार उस वजह से, और यहाँ आप देख सकते हो कितने प्यारे प्यारे छोटे छोटे झरने हैं, है ना। सैल्यूट है सब जो भी हमारे देश के लिए शहीद हुए, उन सबको मेरी तरफ से सैल्यूट बनता है दिल से। लिखा रही है गोलगप्पे मिशू, यहाँ फ्रूट चाट लिया, गोलगप्पे खाए, ये देखो इसको, बस निकलते हैं फटाफट से, पहुँच गए हैं राजीव चौक मेट्रो स्टेशन, गई है सो, और अब हम वेट कर रहे हैं अगली मेट्रो का वैशाली आने का। चलिए अब आपको ना सीधे घर जाके मिलती हूँ क्योंकि मिशु सो गई है। गाइस हम लोग बैठ गए मेट्रो में मेरी मान से, और मिशु सो चुकी है आप देख सकते हो, कुछ थक गए हैं बहुत ज़्यादा, घर जाके इसको चिकन भी बनाना है, और आपको रोटी बनानी है? मैं कुछ नहीं बना रही, मैं सो जाऊंगी, मैं खा भी नहीं थी बना भी ये सही है, मेरे को तो मचाई हो गई यार, मचाई मतलब नोजिया फीलिंग हो रही है, और मम्मी है वो सामने बैठी है, मम्मी ऐसा लग रहा है ज़बरदस्ती बैठ रखी है उधर, और हालत बहुत टाइट हो गई यार, बच्चे के संग घूमना बड़ा मुश्किल होता है, एक तो एक बेचारी थक गई, इसको गोदी लिया बैठ के चली थी, हाँ बैठ जा रही बेचारी, पापा और दूसरे कोच में, हम लोग लेडीज कोच में, चलिए मिलते हैं आपसे आप सीधा घर में। तो गाइस हम लोग पहुंच गए हैं घर, और अभी शाम के बज चुके हैं 6, मतलब 6 बजने वाले हैं, और मतलब पहुंच तो हम 5:30 बजे गए थे, चाय वाय पी लिए, चेंज कर लिया है, और मिशू भी ना उठ गई थी पहुंचते ही घर पे, और वो हमेशा ऐसे करती है जैसे घर पे पहुंचती है उठ जाती है, और अभी हम लोग जा रहे हैं पापा और मैं नीचे सूरज के लिए केक लेने, और थोड़ा घर का कुछ कुछ सामान लेना है वो लेके आते हैं, और आज कपिल और सालू भी आ रहे हैं क्योंकि सूरज ने उन लोगों को भी इन्वाइट किया हुआ है। तो चलिए, और आज बन रहा है घर में नॉनवेज चिकन, मैंने तो छोड़ दिया है, मतलब आजकल मुझसे खाया नहीं जा रहा है इसलिए नहीं खाती हूँ मैं ज़बरदस्ती, तो मैं और पापा कुछ सब्जी बना लेंगे और बाकी लोग खाएंगे चिकन, और अभी मैं जा रही हूँ केक लेने पापा के साथ, तो मिलती हूँ आपको और बाद में आपको दिखाऊंगी कि केक कैसा लेके आए हैं। तो चलिए बाय बाय। लड़ाई करने मम्मी बोल रही है कि आप भ्रम करते हो कि मैं बीमार हो गया, ये हो गया, वो हो गया, क्या ये सही बात है? खाना पीना बंद होगा तो भयम कर लेंगे, नहीं होगा तो सब कुछ खाएंगे तो अपने आप सही हो जाएंगे। तो आप ये कहना चाहते हो कि आपको चिकन खाना है? में पसीना तो नहीं। चमक रहा है। क्या खाना है फिर? माथे में बोतल ला देंगे। बोतल फ्री मिल रही क्या? पापा का वैसे लीवर तो ठीक है, पापा थोड़ा सा पीना चाह रहे हैं, पीना है क्या? खाना डिनर वगैरह बन गया, बस रोटी बननी है, और सब लोग आ चुके हैं इधर पे, आप देख सकते हो यहाँ पूरी भीड़ लग चुकी है यहाँ से लेके वहाँ तक। लाइक करें, थैंक यू, दिखाओ, कपिल सीधा बैठ गया ताकि उसका पेट लग गया, मेरे ऊपर कैसे फोकस कर रखा था रहा उधर को कर ले थोड़ा सा, कपिल ऐसे आगे आगे बैठ गया ताकि पेट ना दिखे, अगर तुमने ब्लॉग में डाला। वाव, ऑरेंज केक कटिंग की तैयारी होने लग गई, और मिशू शुरू हो गई है, मेरे को लगा था बोराज क्यों लिखा ये डाल के सौ बीज ऐसा लग रहा है, निकल चुका है ये, अब कटेगा केक, और छोटा सा सेलिब्रेशन कर रहे हैं, छोटा सा सेलिब्रेशन कर रहे हैं, ये थाली लेके जा रही हूँ केक रखने के लिए। इसके चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब मत करना क्योंकि ये मेरी फालतू वीडियो बना रही है, कर देना कर देना, ये क्या है? टीका देखो मैं कितना अच्छा लग रहा हूँ, यही इस चैनल की सबसे बड़ी सेलिब्रिटी, मेरी दीदी क्या कर रही है? नौटंकी बज गया, ये मिशू बैठ गई है चाचू के साथ। हैप्पी बर्थडे टू यू।
हैप्पी बर्थडे फूको मिशु फूको मिशु फूको हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे डियर सूरज हैप्पी बर्थडे टू यू यार बच्चों को होता ही हमें भी तो होता था हमें तो मिला भी नहीं कभी मैं नहीं खिलाई मैं ही खाऊंगी मिशु ये आपका चॉकलेट नहीं मिले ऐसे खिलौने नहीं मिले मुझे तो मिशु अपना अलग से केक खाने में लगी पड़ी है मिशु मिशु को कोई लेना देना नहीं अपना चॉकलेट उठा उठा के खाया जा रही है उसको कोई मतलब नहीं कौन बैठा है पीछे ये का काम करते हैं फटाफट ना डिनर बनाते हैं और डिनर करते हैं और इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा फिर और बस अब डिनर विनर करके हम लोग भी सो जाएंगे तो आई होप आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है प्रीति के व्लॉग और प्लीज़ दोस्तों प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए अपना सपोर्ट दीजिए प्लीज़ आपके सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग बाय